हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है ओट्स। ओट्स मतलब प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम से भरपूर एक खजाना। ओट्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना के बराबर है। ये हमें काफ़ी जानलेवा बीमारी से भी बचाता है। इससे काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। स्टडी में पता चला है ओट्स हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा घटाता है, वो LDL को कम करता है। इसमें रहने वाला पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ओट्स हार्ट के लिए भी फायदेमंद है। रेगुलर खाने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे कई हेल्थ प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। उसमें रहने वाला एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी आपको कैंसर जैसे बीमारी से भी दूर रखता है। इसमें मौजूद फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब जो स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, इसके कारण इसमें मौजूद फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब से आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। इसलिए डेली डाइट में ओट्स को रखना चाहिए। ओट्स में स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट होने से और फाइबर के मात्रा ज़्यादा होने से ये ज़्यादा देर तक, इसे खाने से ज़्यादा समय तक आपको भूख नहीं लगती, जो आपको ज़्यादा कैलोरी इंटेक से भी बचाता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो रोज़ ब्रेकफास्ट में ओट्स खाइए। इसमें मैग्नीशियम और फाइबर रहने से ये हमारे बॉडी में सेरोटोनिन से स्ट्रेस कम होता है और दिमाग शांत रहता है, स्ट्रेस घटाने में भी मदद करता है। ओट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप इसे मिल्क के साथ लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिल सकता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप मसल बिल्ड या मसल लॉस करना चाहते हैं तो इसमें आपको ओट्स लेने का फ़ायदा ज़रूर मिलेंगे। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। ये आपको सारे दिन तक ये एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे। स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स है, ये बच्चे बूढ़े सभी के लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो 50 ग्राम से ज़्यादा आप ओट्स लीजिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो 50 ग्राम से कम लीजिए। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वो लाल बटन के साथ कुश्ती कीजिए, कुछ भी कीजिए, या लाइक और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।